वरिष्ठ अधिवक्ता से मिली जान से मारने की धमकी, कप्तान ने दिया सुरक्षा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है। ताजा मामला प्रकाश में आया है कि वाराणसी के कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता व दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री पद के प्रत्याशी अधिवक्ता शशिकांत दुबे को सुबह सुबह एक अज्ञात पत्र उनकी चौकी पर रखा हुआ मिला, जिसमें पीड़ित अधिवक्ता को 24 घंटे के अंदर कचहरी में ही जान से मारने की धमकी लिखी हुई है। इस घटना की सूचना तत्काल एसएसपी को दी गई, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पीड़ित अधिवक्ता को सुरक्षा मुहैया कराया गया है। कप्तान अमित पाठक ने वरिष्ठ अधिवक्ता को फिलहाल 4 सुरक्षा कर्मी दे दिया गया है, लेकिन यह प्रश्न पर यहां उठता है कि जब भरे कचहरी में इस तरह की धमकी से भरा पत्र अधिवक्ता के चैम्बर में रख सकता है, तो आम जनता बाहर अपने आप को किस हद तक सुरक्षित महसूस कर रही होगी। इनकार नहीं किया जा सकता कि जिला प्रशासन लगातार भी वीआईपी ड्यूटी करते रहते थक सी गई है। सारी घटना से हमने उनको अवगत कराया, के पश्चात हमने तहरीर एक दिया अज्ञात में, क्योंकि मुझे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, न तो मैं किसी को जानता हूँ किसने ऐसा कुछ ही हरकत किया है। तो हमने उनको बताया कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं, मेरा कोई दुश्मन है या किसी से मिट्टी है। कप्तान साहब की तरफ से कोई सुरक्षा आपको मिला? कप्तान साहब से सुरक्षा दिया, उन्होंने 4 सुरक्षाकर्मी कल दिए थे, लेकिन हमने कहा 4 लेके क्या करें, तो ये सुरक्षाकर्मी उन्होंने दिया मौजूद है, आज भी मेरे साथ है सुरक्षाकर्मी हैं। मेरे बार के सभी पदाधिकारी, सभी युवा अधिवक्ता, सभी गुरुजन, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। और खासतौर पर मैं अपने महामंत्री कन्हैयालाल पटेल का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निसंकोच त्वरित कार्रवाई किया, जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सारे अवका समुदाय को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने एकजुटता दिखाई और त्वरित कार्रवाई किया, और वरिष्ठ अधीक्षक महोदय ने भी कोई कोताही नहीं बरती, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, उसकी जाँच चल रही है। अगले दिन में जो भी होगा, आइए मैं अपना विचार देंगे जो होगा। कोई पुरानी रंजिश थी, किसी दिन को 22 साल वकालत करती हो गया, क्रिमिनल के क्षेत्र का वकालत करता नहीं, किसी से मेरी कोई रंजिश नहीं। जी, धन्यवाद।